Hello friend, I myself Sujit Jha, physics mentor, motivational speaker and author. In this video we discuss about question number 17 of IEEE. From point A located on highway, one has to get by car as soon as possible to point B located in the field at a distance L from the highway. It is known that the car moves in the field eta time slower than on the highway. At what distance from point D must car टर्न ऑफ द हाईवे? इस प्रॉब्लम में ऑथर करना चाहते हैं कि एक पॉइंट है जो कि इस लाइन पर मूव कर रहा है, वो जब इस हाईवे पे मूव करता है तो उसका वेलोसिटी ईटा टाइम्स होता है उस वेलोसिटी के जो कि वो इस पाथ पर मूव करता है. ये एक लैंड है, एक ग्रास, एक रफ लैंड है, इस पे वेलोसिटी दिया हुआ है, इस पे ईटा भी रहता है तो इस पे भी रहता है स्पीड. ठीक है, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू कम जाता है जब वो इस सरफेस पर आता है तो, लेकिन जब वो हाईवे पे मूव करता रहता है तो उसका वेलोसिटी ईटा टाइम्स होता है उस वेलोसिटी के जो कि उसके ग्राउंड पर है. ठीक है, कैलकुलेट करना है कि मिनिमम टाइम जो लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, उस टाइम में ये x का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम टाइम का इक्वेशन क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस AD है और इसको मैंने x कंसीडर कर रखा है, इसका मतलब AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? AC का वैल्यू हो जाएगा AD माइनस x. AD माइनस x, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट मूव करता है एंड भी वेलोसिटी के साथ, तो ये हो जाएगा ईटा इन ईटा भी इंटू टी. ये टाइम, तो टाइम इसको टी वन मान लेते हैं, तो टी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए डी माइनस एक्स बाई ईटा भी. ये टाइम हो गया यहाँ से यहाँ तक मूव करने का. अब ये डिस्टेंस मूव करने का टाइम को हम लोग टी टू कंसिडर करते हैं, तो टी टू का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये एक्स है, ये एल है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई भी. ये टाइम हो गया यहाँ से यहाँ तक मूव करने का टाइम हो गया, इसका मतलब जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा? टी वन प्लस टी टू. तो टी वन प्लस टी टू हो गया, तो वन बाई भी को कॉमन कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी माइनस एक्स बाई ईटा प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई वन. ये आ जाएगा, ये टोटल टाइम आ जाएगा. यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का रूल लगाते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के अनुसार डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो करके एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उस समय वो एक्स का वैल्यू आएगा जिसके लिए टाइम का वैल्यू मिनिमम होगा. ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वन बाई बी ए डी बाई ईटा का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा क्योंकि ए डी भी कॉन्स्टेंट है, ईटा भी कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई ईटा. इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस वन बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स हो जाएगा, तो टू से टू कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर जो नेट वैल्यू आ गया है माइनस वन बाई ईटा प्लस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. इस टर्म को उधर लेके चले जाते हैं तो जो वैल्यू बचेगा वन बाई ईटा इक्वल्स टू एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और रेसिप्रोकल कर देते हैं, स्क्वायर करके रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये आ जाएगा ईटा स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया वन प्लस एल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ईटा स्क्वायर. तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा एल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा ईटा स्क्वायर माइनस वन. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा एल स्क्वायर बाई ईटा स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स का वैल्यू आएगा एल बाई रूट अंडर ईटा स्क्वायर माइनस वन. ये इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर हो जाएगा. थैंक यू.